नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। बच्चों, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो डेट है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हालांकि कोई ऑफिशियल नहीं है, बट 99% ये बात सही है कि आपका जो पेपर है वो नवंबर 21 से लेकर 30 नवंबर के बीच में होना है, जिनमें दो तारीख बीच में ऑमिटेड है, बाकी 8 दिन में आपका पेपर होगा, प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट है। ये खबर आपने पहले भी सुन ली होगी, मैं आपको इसका पुष्टि भी दे देता हूं, क्योंकि परीक्षा प्लस आप लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो ऑथेंटिक न्यूज देने के लिए, और जब तक हमारे हाथ कोई बहुत अच्छा सबूत नहीं लग जाता, बहुत अच्छी जानकारी नहीं हो जाती, तब तक मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाता भी नहीं हूं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यूपीपीसीएल अब क्योंकि बहुत कम समय बचा है, पहले ये एग्जाम अक्टूबर सेकंड वीक में होना था, उसके बाद अक्टूबर लास्ट वीक में, जैसा कि जब उसमें वैकेंसी बढ़ी थी तब दिया गया था। फाइनली इन्होंने अभी तक तो कुछ ऑफिशियल डेटा नहीं दिया है, बट इनकी तैयारी चल रही है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनका पेपर टीसीएस कंडक्ट कराता है और आयरन डिजिटल इधर लगातार बिजी चल रहे हैं, उधर एसएससी के एग्जाम है, आईएमडी के एग्जाम है, यूपीपीएससी के एग्जाम है, अन्य जो एग्जाम है, सब मिला के तो देखा जाए इनको जो सेंटर्स है वो भी कम अलॉट हुए हैं, और यही कारण होता है कि इनके जो डेज होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ऐसे दिखने में लगता है 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, इतने कम में तो एसएससी से इससे कम समय में एसएससी क्या करता है, पेपर कंडक्ट करा लेता है 8 से 10 दिन में। यहां पे देखा जाए टोटल 16 शिफ्ट और 20 शिफ्ट में एसएससी भी करा लेता है, जहां पे फॉर्म की संख्या करीबन 30 लाख 35 लाख तक पहुंच जाती है। तब की बात कर रहा हूं, अगर हम यहां पे कुल फॉर्म की संख्या बात करें तो इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 2.5 लाख, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 1.5 लाख, लेकिन सब लोग एक अपना अनुमान लगा रहे हैं, कोई इसका सटीक नहीं है। पिछली बार ऑफिस असिस्टेंट का पेपर हुआ था बच्चों, उसमें करीबन 4-5 लाख फॉर्म पड़े थे, और मान के चलो कि इस लगभग इसी के फिगर में हो सकता है। अब एग्जैक्ट डेटा मुझे भी नहीं पता है, इसके लिए हम लोगों ने आरटीआई लगा दिया है, जैसे उसका इंफॉर्मेशन आएगा आपको एग्जैक्ट बता देगा कितने फॉर्म पड़े। हालांकि अभी इसकी चिंता नहीं कि कितने फॉर्म पड़े हैं, एग्जाम डेट की चिंता आपको ज्यादा होनी चाहिए, आपके पास कितने हो रहे हैं, 15 दिन। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप पूछते हो कि सर इन 15 दिनों में, इन 15 डेज में हम क्या पढ़ें जो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चों, मैं आपको बहुत पहले भी रणनीति बताया था, अब 15 दिनों में मैं आपसे इतना ही बोलूंगा, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको किसमें आ जाना चाहिए, रिवीजन मोड में आ जाना चाहिए, एकदम रिवीजन मोड में आ जाओ, और रिवीजन मोड में किसका रिवीजन करो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्या कट ऑफ जा सकती है, इसके बारे में जो यहां पे प्रश्न आपके सामने आ रहा है उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको कर दे रहा हूं। बच्चों देखो, अभी कट ऑफ के बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम पिछली बार की कट ऑफ की बात करें, मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था 180 में से 128.5 लगभग कट ऑफ गई थी। अगर हम टाइपिंग वाला नंबर भी जोड़ लें, हिंदी इंग्लिश वाला 20 नंबर जो जुड़ता है, 200 में से करीबन 150 के आसपास कट ऑफ गई थी, और इस बार भी देखा जाए तो 75% के आसपास ही कट ऑफ रहेगी, अगर पेपर मॉडरेट लेवल का रहा, अगर टफ नहीं हुआ, इजी टू मॉडरेट लेवल में रहा, मतलब जैसे पिछली बार पेपर पूछा था उसी स्तर का रहा। हाँ, ये बात सही है कि पिछली बार से इस बार फॉर्म की संख्या ज्यादा रहेगी, ज्यादा है, ऑफिशियल डेटा तो नहीं आया है, बट जो एक सटीक अनुमान है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कॉम्पिटिशन पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा है, इस कारण से कट ऑफ थोड़ा, आप लोग जो टारगेट करो, मैं आपको अभी बोल रहा हूं 50% से हाई टारगेट करो। और अब अंतिम 15 दिनों में, क्योंकि आप लोग जुड़े रहे हो और एक बहुत अच्छा विश्वास आपका रहा है, और टीम बहुत ज्यादा आपके साथ मेहनत भी कर रही है, लगातार पिछले 20-25 दिन से आपका कंटिन्यू रिवीजन करा रही है, रीजनिंग में हमने बहुत सारे रिवीजन क्लास करवाए, इंग्लिश जो आपको सबसे ज्यादा डर का विषय रहा है उसमें देखा जाए 1 महीने से लगातार रिवीजन क्लास चल रही है, सर्वे सर बहुत विद्वत बहुत प्रॉपर आपको इंग्लिश कर रहे हैं। मैं आपको इतना बोलूंगा बच्चों की लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए आप इतना समझो कि आपके पास जो 4 विषय थे, पहला तो मैं कंप्यूटर की बात करूं जो 5वां विषय है, कंप्यूटर में केवल 20 नंबर लाना है, आशीष सर ने जितना पढ़ा दिया है वो मोर देन सफिशिएंट है, आप उसका केवल रिवीजन करो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। कुछ बच्चे परेशान रहते हैं सर लिब्रा पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा, अब वो सब छोड़ दीजिए, जितना पढ़ाया गया उतना पढ़िए, आशीष सर जितना बता दे मोर देन सफिशिएंट है, 20 नंबर लाना है, उसका मार्क्स आपको जुड़ना नहीं है। अगर हम बाकी 4 पार्ट की बात करें बच्चों, तो इनमें सबसे ज्यादा जो आपके लिए जरूरी है वो है इंग्लिश, क्योंकि ये आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, मैक्सिमम बच्चे यूपी बोर्ड वाले होते हैं जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, और 55 नंबर का होता है, इसमें आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। ये आपको 4 पीएमपी सर्वे सर जो खुद एसएससी आईबी सिलेक्टेड है, बहुत विद्वत तरीके से आपको करा रहे हैं, बहुत बिंदास पढ़ाते हैं एक एक चीज, और सबसे बड़ी बात है कि आपको वोकैब रटते हुए चलना है, जो वोकैब स्पेशल की क्लास सुबह 10:30 AM पे होती है, ये दोनों क्लास आप निरंतर रूप में
करते रहो, ज्यादा ऑनलाइन भी टाइम बर्बाद मत करो, इतना आप करते रहो जो टीम प्रयास कर रही है कि मैक्सिमम हमने आपको इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें भी, अभी ये सुप्रीम कोर्ट का पेपर हुआ था और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए थे इंग्लिश के, एग्जैक्ट क्वेश्चन फंस गया था, इस बार भी आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन फंसा देंगे यूपीपीसीएल में, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो दूसरा विषय है पढ़ने के लिए जीएस, और जीएस में सबसे ज्यादा आपको करंट और जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर करंट कहां से पढ़ें, तो किसी भी ऑनलाइन सोर्स को पढ़ना छोड़ दो, किसी की वीडियो देखना छोड़ दो करंट अफेयर्स के लिए, आप मैगजीन उठा लो, क्रॉनिकल उठा लो, और क्रॉनिकल भी छोड़ो, 15 दिनों में आप घटनासार, किसकी बात कर रहे हैं, घटनासार या फिर घटना चक्र, घटनासार की अर्धवार्षिकांक आती है इससे पढ़ लो, अर्धवार्षिकांक जो आती है, और अगर हम बात करें या फिर घटना चक्र की बात करें, दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं, घटना चक्र की वार्षिकी आती है, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लो। कुछ बच्चे पूछते हैं सर करंट कितने दिन के आएगा, कितने टाइम का आएगा, तो बच्चों पेपर ऑनलाइन है, 21 नवंबर से पेपर है, इसका मतलब आपका 10 नवंबर के पहले की खबर इंपॉर्टेंट है, 10 नवंबर के बाद की इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन अगर 1 से 10 नवंबर भी शायद ही कोई क्वेश्चन पूछे, चांसेस कम है। तो अक्टूबर महीना हो गया आपका, सितंबर महीना हो गया, उसके बाद आपका अगस्त हो गया, आपका जुलाई हो गया, और आपका जून हो गया, तो जून से लेके आप अक्टूबर तक करंट एकदम रटे होने चाहिए। अगर आपके पास समय बचता है तब आप मई पढ़ना, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा ऑनलाइन पेपर में ऐसे एग्जाम में 4 ही 5 का करंट होता है, इससे ज्यादा करंट पूछा नहीं जाता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको दोनों किताबें भी दे दी है, जनरल अवेयरनेस के लिए जो आपको एक अलग से स्टैटिक की रिविजन वाली पीडीएफ दी थी वो आप अच्छे से रिवाइज कर दो, आपके कोर्स में नहीं होगी तो मैं देख लूंगा, अपडेट भी करवा दूंगा दोबारा से, आप उसे मैक्सिमम उसे रिवाइज करो, और अंतिम समय में आपको केवल यही पढ़ने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग बच्चों केवल प्रैक्टिस करो, रीजनिंग कुछ भूलने वाला नहीं है, एक बार जो आप पढ़ लियो आपके दिमाग में केवल प्रैक्टिस करते चलो, और उसके बाद अगर बात किया जाए हिंदी तो हिंदी में भी अब नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रैक्टिस करो। लास्ट टाइम में मैं आपको इतना बताऊंगा कि 15 दिनों में आप मॉक लगाओ, आप सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज है ना, मॉक टेस्ट लगाने का प्रयास करो। परीक्षा प्रश्न 7 टेस्ट आपको दिए हैं, कम से कम 3 टेस्ट आपका और करवाएगा, 10 टेस्ट जो आपसे प्रॉमिस किया गया था, बाकी आपकी रिवीजन क्लास जो चल रही है रिवीजन क्लास कराया जाएगा, और भी हमसे जितना मदद हो सकता है वो सारी ही मदद आपके लिए करेंगे। तो यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है, हजारों की संख्या में आपने अगर विश्वास जताया है तो टीम आपके लिए अंतिम समय तक बहुत ही मेहनत करने के लिए तैयार है, और लास्ट के हम लोग 3 दिनों में, मतलब आप ऐसे समझ लो कि 17-18 नवंबर के बाद से 18-19-20 3 दिन लगातार 3 से 4 दिन हम मैराथन इसका करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, रिवीजन मैराथन यूपीपीसीएल का, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना, आप अभी रिवाइज करो, अभी आपको ऑनलाइन समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई भी आपकी समस्या होता है यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए तो आप नीचे नंबर चल रहे हैं कभी भी उस पर कॉल कर सकते हो, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपकी सेवा में हम लोग हमेशा हाजिर हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे, धन्यवाद आपका।